हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट डेली करंट सेशन इन सेवर वी विल कवर इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम सेवरल न्यूज़पेपर पीआईबी एंड वेरियस गवर्नमेंट सोर्सेज सो लेट्स वे इन आवर सेशन और फर्स्ट टॉपिक इज अकीरा रेंसम वेयर तो हम जानेंगे इसके बारे में पहले भी इसको कंसिडर कर रखा हम लोगों ने अकीरा रेंसम वेयर इज अ टाइप ऑफ दैट टारगेट बोथ विंडोज एंड लाइनक्स डिवाइसेज जो अकीरा रेंसम वेयर है ये एक टाइप है रैनसम वेयर का जो कि टारगेट करता है दोनों ही विंडोज और लिनक्स डिवाइसेस को ये इंक्रिप्ट कर देता है डाटा को जो कि अफेक्ट अफेक्टेड डिवाइस का जिसमें फाइल नेम जो है डॉट अकीरा एक्सटेंशन का हो जाता है और डिलीट कर देता है विंडो के सेडो वॉल्यूम कॉपी को जो कि प्रिवेंट करता है डाटा रिकवरी में ये जो रेंसम वेयर है ये टर्मिनेट कर देता है विंडो के सर्विस को जो इंश्योर करता था अन इंटरप्टेड इंक्रिप्शन को स्टील करने के बाद और इंक्रिप्ट करने के बाद सेंसिटिव डाटा को जो अटैकर है वो डिमांड करता है रैनसम को थ्रेटन करता है कि वो रिलीज कर देंगे डाटा को डार्क वेब में अगर वो डिमांड को नहीं पूरा करते उनके तो ये काम कैसे करता है फिशिंग विद बाई लिंक इन इन ये जो रैमसम वेयर है ये स्प्रेड करता है स्पेयर फिशिंग ई मेल के माध्यम से जिसका मालिशियस अटैचमेंट होता है ड्राइव बाई डाउनलोड स्पेशली क्राफ्टेड वेब लिंक होता है ई मेल के लिए व इनसेक्योर रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन के कारण इट एस टारगेटेड वेरियस डोमेन इंक्लूडिंग एजुकेशन रियल इस्टेट मैन्युफेक्चरिंग एंड कंसल्टिंग एंड इन साइडोरेट नेटवर्क इट स्प्रेडरली टू अदर डिवाइसिंग विंडो डोमेन एडमिन क्रीडेंशियल और ये जो है टारगेट करता है वेरियस डोमेन को जिसमे की एजुकेशन फाइनेंस रियल इस्टेट मैन्युफेक्चरिंग कंसल्टिंग भी है और एक बार जब ये आ जाता है कॉरपोरेट नेटवर्क पे तो वो स्प्रेड कर जाता है फेटरली दूसरे डिवाइसेस में भी उपयोग करके इंस्टोलन विंडो डोमेन एडमिन क्रीडेंसियल को प्रोटेक्ट करने के लिए अकीरा रेंडम वेयर के खिलाफ जो अदर सिमिलर थ्रेट है यूजर को क्या एडवाइस किया गया है मेंटेन अप टू डेट ऑफलाइन बैकअप वो बैकअपेन करे को ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्क को अपडेटेड रखे इम्प्लीमेंट करे स्ट्रॉग पासवर्ड पॉलिसी को और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इन्फोर्स डाटा इंक्रिप्शन ब्लॉक अटैचमेंट फाइल टाइप डेट आर कॉमनली एसोसिएटेड विथ मलेशियस कोर्ट और रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट ऑफ क्रिटिकल सिस्टम ये सारे कुछ स्टेप बताए गए हैं जिसके द्वारा सेव किया जा सकता है इस टाइप के अटैक से बचा जा सकता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा नॉर्थ सी तो हम जानेंगे नॉर्थ सी के बारे में यूके प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक अनाउंस प्लान टू ग्रांट मोर देन हंड्रेड लाइसेंस फॉर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन इन द नॉर्थ सी स्टार्टिंग इन दी ऑटम द गोल इज टू स्लो डिक्लाइन इन ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन टू सिक्योर डोमेस्टिक सप्लाई इवन एज दूके इज कमिटेड टू अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशन बाई टू यूके प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने अभी हाल ही में अनाउंस किया है अपने प्लान को कि वो ग्रांट करेंगे मोर देन हंड्रेड लाइनसेंस ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के लिए नॉर्थ सी पे ये जो कोल है उनका स्लो करने का जो डिक्लाइन था ऑयल और गैस प्रोडक्शन को ताकि सिक्योर किया जा सके डोमेस्टिक सप्लाई को जबकि यूके ने कमिट किया कि वो अचीव करेगा नेट जीरो कार्बन एमिशन को 2050 थाउजेंड फिफ्टी में तो उसके बाद भी उन्होंने परमिट किया है तो ये कंट्रोवर्सी हो रहा है यहाँ पे नॉर्थ सी लाइव बिटवीन ग्रेट ब्रिटेन डेनमार्क नॉर्वे जर्मनी नीदरलैंड बेल्जियम एंड फ्रांस ये कंट्रीज आपको मेमोराइज होना चाहिए नॉर्थ सी जो है वो लाइज करता है ग्रेट ब्रिटेन डेनमार्क नॉर्वे जर्मनी नेदरलैंड बेल्जियम और फ्रांस के बीच में ये जो है ये पेरिक सी है कॉन्टिनेंटल प्लेट पे जहाँ पे बहुत ही कम एव, लो एव डेफ है और जो यूरोपियन कॉन्टिनेंटल सेल्फ है ये कनेक्ट कर रहा है अटलांटिक ओशियन को इंग्लिश चैनल के माध्यम से साउथ पे और नॉर्वेगियन सी के माध्यम से नॉर्थ पे आप यहाँ पे मैप पे देख पाएंगे जैसा इसमें बताया गया नॉर्वेगियन सी इंग्लिश चैनल ये आपका नॉर्थ सी हो गया फिर कौन कौन से कंट्री इसको बाउंड्री करते हैं आपको मेमोराइज होना चाहिए इन सब कंट्री का नाम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओडिशा मिलेट मिशन ओ तो एम के जो मिलेट मिशन है इसके बारे में हम जानेंगे स्टेट ऑफ ओडिशा इन इंडिया टेकन अ प्रोग्रेसिव स्टेप इन प्रमोटिंग मिलेट बाय इन्वॉल्विंग वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप इन द मिलेट वैल्यू चेन थ्रू इथ ओडि मिलेट मिशन जो स्टेट है ओडिशा का उसने एक प्रोग्रेसिव स्टेप लिया है प्रमोट करके मिलेट को इन्वॉल्व करके वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को मिलेट वैल्यू चेन पे उनके ओडिशा मिलेट मिशन के माध्यम से ओडिशा मिलेट मिशन अंडर दी ओडिशा मिलेट मिशन मिलेट शक्ति कैप्स एंड आउटलेट है डाइवर्स रेंज ऑफ मिलेट बेस्ट फूड आइटम जो आपका ओडिसा मिलेट मिशन है ओएमएम इसके अंतर्गत मिलत शक्ति कैफे और आउटलेट को स्टेब्लिश किया गया है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो कि दर्शा रहा है डाइवर्स रेंज ऑफ मिलेट वेस्ट फूड आइटम को ओडिसा मिलेट मिशन ट्रेनिंग रेसिपी फॉर्मुलेशन पैकेजिंग क्वालिटी कंट्रोल मार्केटिंग एंड अदर स्किल इंपावरिंग वुमेन टू पार्टिसिपेट इफेक्टिवली इन दी मिलेट इंडस्ट्री और ये जो है ये फैसिलिटेट कर रहा है ट्रेनिंग को रेसिपी फॉर्मुलेशन के लिए पैकेजिंग क्वालिटी कंट्रोल मार्केटिंग और अदर स्किल को ये इंपावर कर रहा है वुमेन को कि वो पार्टिसिपेट करे इफेक्टिवली मिले इंडस्ट्री के लिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एच डी सी टू प्रमोट ट्राइबल कल्चर तो हम जानेंगे जो स्पेशल डेवलपमेंट काउंसिल की बात कही गई है ताकि प्रमोट किया जा सके ट्राइबल कल्चर को इसके बारे में Odisha government has implemented the Special Development Council initiative to preserve and promote tribal culture while ensuring economic development. तो ओडिशा गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है सोशल डेवलपमेंट काउंसिल इनिशिएटिव को ताकि प्रिजर्व किया जा सके और प्रमोट किया जा सके ट्राइबल कल्चर को साथ साथ इंश्योर किया जाए उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी एच का फोकस किस पे होगा ये जो स्पेशल डेवलपमेंट काउंसिल है आइडेंटिफाइंग एंड प्रमोटिंग इम्पोर्टेंट कल्चर मार्कर ऑफ ट्राइबल आइडेंटिटी सच एज लैंग्वेज सेक्रेज ग्रुप एंड ट्राइबल आर्टिशन ये आइडेंटिफाई करेगा और प्रमोट करेगा जो इंपॉर्टेंट कल्चर मार्कर है ट्राइबल आइडेंटिटी के लिए जैसे कि उनका लैंग्वेज हो गया सैक्रेट ग्रुप हो गया ट्राइबल आर्टिशन हो गया ओनली ट्वेंटी वन ट्राइबल प्रोफेंसिव सेंटर हैव बीन एस्टेब्लिश टू एजुकेट अबाउट ट्राइबल कल्चर एंड डायलेक्ट सिर्फ 21 ट्राइबल प्रोफेंसी सेंटर जो है उसको स्टेब्लिश किया गया है एजुकेट करने के लिए ट्राइबल कल्चर और डायलेक्ट को लेके, मोर देन 4,500 सेक्रेट ग्रुप्स आर बीइंग कंजर्व और 4,500 से अधिक सेक्रेट ग्रुप को कंजर्व किया गया है आर्टिशन आईडी कार्ड बीन आर्टिशन टू प्रिजर्व कल्चर एंड क्रिएट इंप्लायमेंट अपॉर्चुनिटी और आर्टिशन आईडी कार्ड को इश्यू किया गया फोर्टी थाउजेंड ट्राइबल आर्टिशन के लिए ताकि प्रिजर्व किया जा सके कल्चर को और क्रिएट किया जा सके इम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को उनके लिए इंश्योरिंग कल्चर कॉन्टेक्ट इज कंसिडर दी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और इंश्योर किया जा रहा है कल्चरल कॉन्टेक्ट को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के दौरान तो भी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम पीआईबी के बी क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है तो जानेंगे हम इसके बारे में जो उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है Recently on the 3rd anniversary of the National Education Policy 2020 Shri Dharmendra Pradhan the Union Minister of Education and Minister of Skill Development and Entrepreneurship launched the mobile application of Ullas Now Bharat Saksharta Karyakram or Ullas app अभी हाल ही में तीसरे एनिवर्सरी के दौरान नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का ट्वेंटी का प्रधान जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रनियरशि है उन्होंने लॉन्च किया है मोबाइल एप्लीकेशन को उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम या उल्लास एप को मकसद क्या था इसके पीछे का इट एम्स टू प्रोवाइड वाइड स्प्रेड एक्सेस टू बेसिक लिटरेसी एंड क्रिटिकल लाइफ स्किल बाय लिवरेजिंग टेक्नोलॉजी इसका मकसद है प्रोवाइड करना वाइड स्प्रेड एक्सेस बेसिक लिटरेसी का और क्रिटिकल लाइफ स्किल का लिवरेज करके टेक्नोलॉजी की मदद से it सर्व एज ए डिजिटल gateway for फॉर लर्नर access एक्सेस डायवर्स लर्निंग रिसोर्सेस थ्रू diksha पोर्टल ऑफ एनसीआरटी और ये सर्व कर रहा है एक डिजिटल गेटवे के रूप में लर्नर्स के लिए ताकि वो एक्सेस कर पाए जो डायवर्स लर्निंग रिसोर्सेस है दीक्षा पोर्टल के माध्यम से एनसीआरटी के फोकस एरिया की अगर हम बात करें द इनिशियेटिव फोकस ऑन प्रोमोटिंग फंक्शनल लिटरेसी वोकेशनल स्किल फाइनेंशियल लिटरेसी लीगल लिटरेसी डिजिटल लिटरेसी एंड इम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन फॉर नेशन बिल्डिंग जो ये इनिशिएटिव है इसका फोकस है प्रमोट करने उपर, skill, literacy, 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 के ऊपर फंक्शनल लिटरेसी को वोकेशनल स्किल फाइनेंशियल लिटरेसी लीगल लिटरेसी डिजिटल लिटरेसी इम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन फॉर नेशनल बिल्डिंग के ऊपर इंप्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें द इनिशिएटिव ऑपरेट थ्रू वॉलेंटियरिंग इट इनकरेज वॉलेंटियर टू पार्टिसिपेट इन डीयूटीवाई और कर्तव्य बोर्ड टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग ये जो इनिशिएटिव है ये ऑपरेट कर रहा है वॉलेंटियरिज्म के माध्यम से ये इनकरेज करता है वॉलेंटियर को कि वो पार्टिसिपेट करे ड्यूटी या कर्तव्य बोर्ड दोनों के लिए नेशनल बिल्डिंग के लिए ताकि नेशन को बिल्ड किया जा सके स्टूडेंट वॉलेंटियर विल बी इंसेंटिवाइज विथ क्रेडिट इन स्कूल यूनिवर्सिटी एंड एप्रिसिएशन थ्रू सर्टिफिकेट लेटर ऑफ एप्रिसिएशन वी एंड फेलिसिटेशन अमंग अदर मीन्स और जो स्टूडेंट वॉलेंटियर है उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा जो क्रेडिट होगा स्कूल यूनिवर्सिटी पे और जो अप्रिसिएशन होगा सर्टिफिकेट लेटर ऑफ अप्रिसिएशन एंड फेलिसिटेशन ये सारे अदर मीन्स होंगे उल्लास टारगेट सिटीजन एज 15 एंड अब हु मिस दी अपॉर्चुनिटी टू अटेंड स्कूल ब्रिजिंग दी गैप इन एजुकेशन और उल्लास जो है टारगेट करेगा सिटीजन को जिनका एज 15 यौब से अधिक है जिन्होंने मिस कर दिया था अपॉर्चुनिटी को स्कूल को अटेंड करने को लेके और ये कम करेगा जो गैप है एजुकेशन को लेके द इनिशियेटिव है दी पोटेंशियल टू ब्रिंग दिस स्टूडेंट बैक टू दी लर्निंग बाई प्रोवाइडिंग दैम विथ एन ओपन सेंस लर्निंग प्लेटफॉर्म ये जो इनशिएटिव है इसका पोटेंशियल है कि वो वापस इन स्टूडेंट को लाएगा लर्निंग प्लेटफॉर्म की ओर उनको एक ओपन सोर्स लर्निंग प्लेटफॉर्म का मदद से अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डाटा मोर देन ट्वेल्ल लैक स्टूडेंट आर आउट ऑफ स्कूल इन दर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री विद बॉयस ग्रेटर देन गर्ल्स और जो गवर्नमेंट का डाटा है उसके अनुसार ट्वेल्व लाख से अधिक स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि आउट ऑफ स्कूल हो गए 2022-23 के दौरान आज इसमें नंबर ऑफ बॉयज जो है वो अधिक है गर्ल्स से क्या सिग्निफिकेंस है इस स्कीम का तो जो लोगो और स्लोगन है उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम ये सिंबलाइज कर रहा है कैंपेन के इंटरव्यू को और जो लाइट ऑफ नॉलेज है जो कि स्प्रेड करेगा अक्रॉस नेशन पर इसको दर्शाता है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गोवर्धन इनिशिएटिव पीआईबी के मुझे इंपॉर्टेंट हो जाता है जानेंगे हम इसके बारे में गोवर्धन इनिशिएटिव इन इंडिया एम डेट कन्वर्टिंग वेस्ट टू वेल्थ ट्रू बायोगैस एंड कम्प्रेस बायोगैस है प्रोमिसिंग रिजल्ट एंड अट्रैक्टेड सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट जो गोवर्धन इनिशियेटिव है भारत का जिसका मकसद था कन्वर्ट करना वेस्ट को वेल्थ की ओर बायोगैस और, बायो और कम्प्रेस्ड बायोगैस के माध्यम से इसमें देखा गया है प्रॉमिसिंग रिजल्ट को और इसने अट्रैक्ट किया है सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट को भी इससे रिलेटेड न्यूज को हम थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं तो यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल है गोवर्धन के लिए उसमें रिक्वेस्ट रिसीव हुआ है ओवर टू और हंड्रेड बायोगैस प्लांट के लिए इसमें 320 जो है आपका सीबीजी प्लांट होंगे जस्ट सिक्सटी डेज के अंदर ही किया गया था लॉन्च के मकसद क्या था इसके पीछे का इनिशिएटिव एम्स टू मैनेज ऑर्गेनिक वेस्ट साइंटिफिकली वाइल बेनिफिटिंग रूरल हाउस होल्ड एंड इन्वॉल्व कोलेबोरेशन बिटवीन दी गवर्नमेंट प्राइवेट प्लेयर एंड अदर स्टेक होल्डर ये जो इनिशिएटिव है इसका मकसद था कि मैनेज किया जाए ऑर्गेनिक वेस्ट को साइंटिफिकली और बेनिफिट किया जाए रूरल हाउस होल्ड को इन्वॉल्व जो है कोलेब्रेशन में गवर्नमेंट प्राइवेट प्लेयर एंड अदर स्टेक होल्डर के साथ यूनियन मिनिस्ट्री फॉर जल शक्ति है लॉन्च दी यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर गोवर्धन और जो यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति है उन्होंने लॉन्च किया है यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल को गोवर्धन के लिए तो किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया ये इम्पोर्टेंट हो जाता है इस स्कीम के बारे में हम जान लें लॉन्च इन 2018 तो एटीन जो गोवर्धन स्कीम है इसको लॉन्च किया गया था 2018 में इसका जो फुल फॉर्म है गोवर्धन का गेलवेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन मकसद किया था कन्वर्ट वेस्ट टू वेल्थ विद द एम ऑफ प्रमोटिंग अ सर्कुलर इकोनॉमी कन्वर्ट किया जाए वेस्ट को वेल्थ की ओर इसका मकसद था प्रमोट करना सर्कुलर इकोनॉमी को और नोडल मिनिस्ट्री की अगर हम बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत ये आता है किसका पात्र है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज टू का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव इसका क्या है सेफली मैनेज कैटल एंड एग्रीकल्चर वेस्ट इन विलेज एंड मेक दी विलेज क्लीन सेफली मैनेज किया जाए कैटल और एग्रीकल्चर वेस्ट को विलेज में और विलेज को क्लीन बनाया जाए कन्वर्ट ऑर्गेनिक वेस्ट टू बायोगैस एंड ऑर्गेनिक मैन्यूर फॉर रूरल यूज और ये कन्वर्ट करेगा ऑर्गेनिक वेस्ट को बायोगैस पे और ऑर्गेनिक मैन्यूर पे रूरल यूज के लिए ये प्रमोट कर रहा है एनवायरमेंटल सैनिटेशन को कर्व कर रहा है वेक्टर वैक्टरबोन डिजीज को रूरल एरियाज पे ये क्रिएट कर रहा है रूरल इंप्लॉयमेंट एंड इनकम जनरेशन अपॉर्चुनिटी को इन्वॉल्व करके इंटरप्रेनियर सेल्फ हेल्प ग्रुप यूथ ग्रुप को सेटअप करके गोवर्धन यूनिट को फाइनेंशियल इंसेंटिव की अगर बात करें इसके लिए तो गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड कर रही है टेक्निकल असिस्टेंट एंड अपू रूपीज फिफ्टी लैख फाइनेंशियल सपोर्ट पर डिस्ट्रिक्ट में ताकि सेफ डिस्पोजल हो कैटल और ऑर्गेनिक वेस्ट का बजट 2023-24 का क्या अनाउंसमेंट था तो स्टैब्लिश करने की बात कही गई है 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट को जिसमें कि 200 हंड्रेड बायोगैस प्लांट होंगे जिसमें प्राइवेट सेक्टर और स्टेक होल्डर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट का सपोर्ट होगा ये जो है इंक्लूड करेंगे 25 प्लांट को अर्बन एरियाज में जबकि थ्री हंड्रेड कम्युनिटी और क्लस्टर बेस्ड प्लांट भी होंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बायोगैस प्लांट की बात कही गई है तो स्पेशल जो है उसने चालू कर दिया है पहला टू बायोगैस प्रोजेक्ट को सेंचुरी इन राजस्थान पे वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट के अंतर्गत तो कहाँ पे चालू किया गया किसके द्वारा ये इम्पोर्टेंट हो जाता है मेमोराइज होना चाहिए ये आप देख सकते हैं एनारोबिक डाइजेस्टर पे गया बायोगैस डाइजेस्टर बायोमिथेन फर्टिलाइजर और सॉइल किस तरीके से जो काम करता है आपका बायोगैस प्लांट यहाँ पे फ्लो चार्ट के माध्यम से दर्शाया गया है नेक्स्ट टॉपिक हमारा वर्ल्ड कॉइन तो हम जानेंगे वर्ल्ड कॉइन के बारे में वर्ल्ड कॉइन एक इनिशिएटिव है जो कि क्रिएट कर रहा है डिजिटल नेटवर्क को जहां पे इंडिविजुअल जो है वो क्लेम कर सकते हैं स्टेक को और ज्वाइन कर सकता है डिजिटल इकोनॉमी को जो प्रोजेक्ट है ये इन्वॉल्व करता है कि स्कैन किया जाए इंडिविजुअल आईरिस को जो डिवाइस है जिसका नाम है ऑर्ब ताकि कलेक्ट किया जा सके बायोमेट्रिक डाटा को और इश्यू किया जा सके उनको वर्ल्ड आईडी को ये जो एक्सचेंज पार्टिसिपेंट है वो रिसीव करेंगे क्रिप्टो करेंसी को जो कि वर्ल्ड कॉइन है गोल है इसका कि बिल्ड किया जाए वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइडेंटिटी और फाइनेंशियल पब्लिक नेटवर्क को जो उसको की एक्सेप्ट किया जा सकता है पूरा विश्व पे ये पार्ट है आपका वर्ल्ड कॉइन नेटवर्क का जहाँ पे इंडिविजुअल जो है वो और ऑपरेटर होंगे और वो स्कैन करेंगे आरएसएस को और दूसरे का और उनको जो है आर स्कैन कराया जाएगा रिसीव वर्ल्ड आईडी पे और वर्ल्ड क्रिप्टो करेंसी में फीचर्स इसका क्या है तो जो वर्ल्ड कॉइन है यह उपयोग करेगा बायोमेट्रिक डाटा का ताकि इंश्योर किया जा सके यूनिक पार्टिसिपेशन को और अवॉइड किया जा सके डुप्लीकेशन को कंपनी का मानना है उपयोग करके जीनो नॉलेज प्रूफ का मेंटेन किया जा सकेगा यूजर के प्राइवेसी को और पालन किया जा सकेगा यूरोप के, के जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन का ये जो आपका डब्ल्यू प्राइस फ्लक्चुएट कर रहा है इसको क्रिटिसाइज किया गया है स्पेशली एनएसए विशल ब्लोवर एडवर्ड स्नोडन के द्वारा क्योंकि ये उपयोग कर रहा है बायोमेट्रिक का वेरिफिकेशन के लिए जो कि खतरा भी हो सकता है वर्ड कॉइन को इंट्रोड्यूस किया गया भारत में और भी ऑपरेटर के द्वारा जो कि स्कैन कर रहा है पीपल के आई को वेरियस लोकेशन पर जैसे कि दिल्ली नोएडा बेंगलोर जैसे शहर पे लेकिन आपको पता होगा यहाँ पे हम लोगों ने आधार पे आईरिस फिंगरप्रिंट कर दिया है तो ये आईरिस डाटा का मिस भी हो सकता है तो थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता है हमें सोल्व फॉर डेली करंट अफेयर सेशन अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर श्च्� करें दिस आर आर सोशल मीडिया लिंक फ्रॉम हिल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विथ अस एंड गिव अस योर वेलुएल फीडबैक Thank you and have a nice day.